मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैक्स। बिल्डर से पैसों की बारिश कराने के नाम पर 56 लाख रुपए लेकर फरार हो गए आरोपियों को मानपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार डोंबिवली ठाकुरली के रहने वाले सुरेंद्र पाटिल नाम के बिल्डर को एक ढोंगी बाबाओं के गिरोह ने अपना शिकार बना लिया है। अशोक गायकवाड़ नाम के आरोपी के साथ मिलकर 5 लोगों ने सुरेंद्र पाटिल बिल्डर से 25 जून को 56 लाख के बदले बारिश कर 5 करोड़ मिलने का लालच दिया और ऑफिस में पूजा करने की बात कही और बहकावे में आकर बिल्डर ने 56 लाख पूजा स्थल पर रख दिए। पूजा खत्म होने के बाद ऑफिस के चारों तरफ बिल्डर से 5 बार पानी छिड़कने को कहा। इसी दौरान ये सभी लोग 56 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जब बिल्डर सुरेंद्र पाटिल ने देखा कि ऑफिस में कोई नहीं है, सब गायब हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने CCTV फुटेज और गुप्त जानकारियों के आधार पर अशोक गायकवाड़, रमेश मुकने, संजय भोले और उसके साथियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। डोंबिवली मानपाड़ा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर वैज ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन च्या अंतर्गत पाटीदार भवन च्या बाजूला यातील फिर्यादी यांचं ऑफिस आहे। फिर्यादी नामे सुरेंद्र पाटील हे बिल्डर व्यवसाय करतात। त्यांना काही अज्ञात लोक आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 10% पैसे द्या, आपण पाऊस पैशाचा पाऊस पाडू। त्यावरून त्यांनी त्यांचे पाटीदार भवन येथे असलेल्या ऑफिसमध्ये सदरच्या लोकांनी तिथे पूजा आयोजित केली व सदर पूजामध्ये त्यांनी 5 कोटीचा पाऊस पाडू असे सांगितले। त्यावरून त्यांनी त्यांना 10% पैसेप्रमाणे तिथे 56 लाख रुपये पूजेसाठी ठेवले होते व सर्व पूजा ही मध्यरात्री चालू केली। पहाटेच्या सुमारात पूजा संपली व यातील फिर्यादी यांना त्यांच्या ऑफिसला 5 फेऱ्या मारण्यासाठी लावल्या व यातील पूजा करणारे व जे काही मध्यस्थी होते त्यांनी ते पैसे, पूजेला ठेवलेले पैसे तात्काळ तिथून घेऊन गायब झाले। त्यानंतर मानपाडा पोलीस नेते सदरचा गुन्हा दाखल केला व त्यामध्ये काही संशयित लोक आम्ही अटक केलेली आहे, पुढील तपास चालू आहे।